रोहट उपखंड के रेडियो नदी के पास स्थित रामदेव श्री मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय कार्यकर्ता धम्मिक सेमिनार का भंती राज रतन भंते सिद्धार्थ वर्धन भदंते कश्यप आनंद भंते धम्म रत्न जथेदार बाबा सुखविंदर सिंह आचार्य राजेंद्र निब्बान चेयरमैन बनवारी लाल की मुख्य अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास समिति रोहट के ब्लॉक अध्यक्ष सोहन गुणपाल ने बताया इस राष्ट्रीय कार्यकर्ता सेमिनार 19-21 अगस्त के मध्य आयोजित हुआ। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में समस्त बहुजन समाज के युवाओं को एकजुट रहते हुए बौद्ध धर्म के बारे में एकजुट रहते हुए जानकारी दी। साथ ही जत्थेदार बाबा सुखविंदर सिंह ने शस्त्र कला गत्ता मार्शल आर्ट लाठी आदि का स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए आत्मरक्षा के गुण सिखाए और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति बंधुओं को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक में एकजुटता की मिसाल कायम करने के लिए प्रेरित किया। आचार्य राजेंद्र निब्बान ने अपने वक्तव्य में बताया सभी समस्याओं का समाधान बौद्ध धर्म में ही निहित है, इसी कारण पहले जानो फिर मानो वाले सिद्धांत का अनुसरण करने के लिए उपदेश दिए। इस कार्यक्रम में भारत के सभी राज्यों से बुद्धिस्ट कार्यकर्ता प्रवक्ताओं ने अपने वक्तव्य में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म के ऊपर विचार विमर्श दिया। इसके दौरान अरुण बोध डूंगर राम गेदर बजरंग राठी थरता राम बरवड़ अध्यक्ष सोहन गुणपाल नारायण राम बोरा राम रमेश हंस रमेश बरवड़ पूना राम सरगरा हुक्मा राम सहित अनेक बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। सोहन गुणपाल पाली। यह जो राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है इसका मकसद समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और बुद्ध बाबा साहब की जो समानतावादी जो विचारधारा है वह प्रत्येक आदमी तक पहुंचाना, यही हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है। और हम चाहते हैं कि समाज में एक समानता का वातावरण बने, एक शांति का वातावरण बने और गरीब समाज अपने स्वाभिमान को मजबूत करके और